पहले तो इंदौर शहर में यूथ आइकॉन के नाम से जाने जाने वाले जी हाँ गोले बीच मौजूद है। लंबा इंतजार बोला जा सकता है कि हर बार के चुनाव और हर बार आपके समर्थक ये चाहते थे कि इस बार गोलू भैया, तो इस बार पार्टी ने आपके हिस्से में टिकट दिया, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया, मंडल अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष, आईडीए का उपाध्यक्ष, जो जो मेहनत करते जाओ उसका फल मिलता जाएगा। पार्टी की नज़र में हर व्यक्ति है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता को पार्टी देख रही है और पार्टी कहीं ना कहीं सबको देती है। ऐसे कार्यकर्ता से आज विधानसभा के प्रत्याशी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? ये तो बाबा महाकालेश्वर और हनुमान जी की कृपा है जो आज यहाँ पे हैं, सब ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सकता है। विपक्षियों का ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि स्थानीय कैंडिडेट नहीं है, बाहर से आए हुए व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है, मेहमान है तो मेहमान नवाजी करके घर भेज दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात पहले भी बोल चुका हूँ कि स्थानीय प्रत्याशी मैं स्वयं हूँ, मैं मरी माता चौराहे पर रहता हूँ, मेरा घर है, मेरा मंदिर है, मेरा ऑफिस है, मेरा पूरा कार्य क्षेत्र मरी माता चौराहे पर है। मरी माता चौराहे विधानसभा 3 का हिस्सा है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो MIG में रहते हैं, आप पता कर लें, MIG में उनका निवास है, यहाँ उनका निवास नहीं है। अच्छा, लगभग 20-25 सालों से इसी विधानसभा में मेहनत कर रहे थे पिंटू जोशी, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आप एक नंबर विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे, तो क्या ये आपको अभी महसूस हो रहा है या कार्यकर्ताओं के हुजूम को देख करके लग रहा है कि विधानसभा चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल का फूल? आपको एक बात बता दूं मैं कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का 10 साल तक इंदौर शहर का अध्यक्ष रहा हूँ, 85 वार्डों में 1885 बूथों पर मैंने काम किया है, उसमें विधानसभा 3 भी आती है, तो मैं 10 साल अध्यक्ष रहा हूँ, तो 10 साल में मैंने इतने कार्यकर्ता बनाए, हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और मेरा हर वार्ड में हर बूथ पे परिचय है, मेरे लोग हैं, हर विधानसभा में लोग हैं। पिंटू जोशी लगातार आकाश विजयवर्गीय के किए हुए कामों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए के काम किए हैं वो 2-4 तो गिना देते हैं। इतने काम किए हैं करोड़ों रुपए, गोपाल मंदिर हो, राजवाड़ा हो, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, बहुत काम किए हैं हमने और निरंतर हमारे काम चल रहे हैं, हम पूरा रिकॉर्ड बताएंगे आप। 3 नंबर को लेकर के आपका क्या सपना है, क्योंकि आप हमेशा कुछ नवाचार के लिए जाने जाते हैं, तो 3 नंबर के लिए क्या योजना बना के चल रहे हैं? 3 नंबर में बहुत अच्छा काम करेंगे, सबसे विचार विमर्श करके क्या अच्छे से अच्छा बेहतर हो सकता है। ट्रैफिक को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारूंगा। 40,000+ मुस्लिम मतदाता है यहाँ के, और ये माना जाता है कि अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिया है उतना कभी किसी ने दिया नहीं, तमाम योजनाएं देने के बावजूद वोट नहीं मिलते अल्पसंख्यक समुदाय से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में भी चाहे उषा दीदी हो, चाहे गोपी नेमा जी हो, चाहे आकाश भाई हो, सब यहाँ से विजय श्री को प्राप्त हुए हैं, मैं भी विजय श्री को प्राप्त होऊंगा। चलिए, तो उत्साह भरपूर है और जोश भरपूर है, और ये मानना है गोलू शुक्ला का कि चुनाव किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता बल्कि संगठन चुनाव लड़ता है और कमल के फूल को सिंबल मान के चुनाव लड़ा जाता है, इसलिए चुनाव में गोलू शुक्ला की जीत निश्चित है, ऐसा मानना है गोलू शुक्ला का। पर क्या ये सपने हो पाएंगे साकार, क्या उन्हें मिलेगी चुनाव में जीत, क्या होगा गोलू शुक्ला का आगामी भविष्य, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए मौसम चुनावी है। हमारा एक ही कहना है, अनेक नहीं सिर्फ एक गोलू शुक्ला जी, हाँ जी, गोलू भैया ने जो अलग जगाई है, भोलेनाथ जी की कावड़ यात्रा निकालते हैं, सनातन धर्म को लेके जो गोलू भैया आगे चलते हैं, वो जीत चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच में वो बिल्कुल सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। चलो, हाँ जी भैया, 3 नंबर वार्ड से गोलू शुक्ला जी को टिकट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, गोलू भैया को टिकट मिलते से ही मैंने हाथों को मंडवाया गोलू भैया का, और यहाँ पे एक गोलू शुक्ला नहीं, सभी गोलू भैया यहाँ पे, सभी गोलू। चलिए, विधानसभा 3 की बात अगर करें तो आपको बता दें कि यहाँ युवाओं में एक अलग टाइप का उत्साह है और इनका मानना है कि यहाँ कोई एक गोलू शुक्ला नहीं है, अनेक गोलू शुक्ला है और हर कार्यकर्ता जो है वो चुनावी रण में जो है विशेष आहुति देने को तैयार है। आप यही के रहवासी विधानसभा 3 के? विधानसभा 3 पार्टनर 60 से हूँ। गोलू शुक्ला को टिकट मिला, इसको लेकर के कितना उत्साह? बहुत उत्साह है, जब भैया को जब से हमको हमारा काफ़ी वर्षों से यही सपना था कि भैया को टिकट मिले और हमारा मन बहुत उत्साह है, और मैं खुद एक गोलू शुक्ला। आप भी गोलू शुक्ला हो? मैं विधानसभा 3 में
निरंतर विकास के काम हुए, आकाश जी ने बहुत निरंतर काम किया, भगवान राम के विधायक मिले थे और भगवान भोलेनाथ की तरह गुरु शुक्ला हमको मिले, मैं मानता हूँ क्योंकि गुरु शुक्ला हूँ उनके साथ तन मन धन से काम करो। पिछली बार भी भोलेनाथ भक्त मिले थे आपको, जाप कराते थे, गोलू शुक्ला जी भी सनातन का झंडा लेकर महाबलेश्वर से लेकर उज्जैन तक चलते हैं, वो भी एक भोलेनाथ के परम भक्त थे, मैं भी गोलू शुक्ला। लग रहा है आपको कि चुनाव फतेह होगी? क्यों नहीं होगी, फतेह होगी। विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने यहाँ 2,500 करोड़ के काम कराए हैं। जो सामने वाले प्रत्याशी है वो बोल रहे हैं कि मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ और वो जन उनके 3 बार के कार्यकाल, उनके चाचा जी के 2 बार, उनके पिताजी के कार्यकाल, श्रीमान महेश जोशी जी के कार्यकाल, मैं तो बोलता हूँ वो उसको मिला के उनके 5 बड़े काम गिना दे और हमारे 2,500 करोड़ के जो काम है उसकी बुकलेट जारी होने वाली हो, जगह जाके दूरबीन नहीं कैमरा रख के उसकी वीडियो बना के वो खुद वायरल करे। आकाश जी ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि पूरा क्षेत्र को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र बनाया और गोलू शुक्ला जी का उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम सब गोलू शुक्ला ही है, हम सारे जितने भी टीम है सारे सब गोलू शुक्ला है, हम गोलू सब तैयार है। 1 लाख वोट से जीतेंगे भैया। युवाओं का उत्साह जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है और इनका ऐसा मानना है कि भारी मतों से जो है गोलू शुक्ला को चुनाव जिताना है, ऐसे संकल्प के साथ में लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी विधानसभा में रहता हूँ, विधानसभा 3 वार्ड क्रमांक 7। निश्चित तौर पे गोलू शुक्ला जी एक काफ़ी अच्छा चेहरा है, उनको जो जो पार्टी संगठन ने दायित्व दिया उसको वो बिल्कुल 100% खड़े होते हैं, चाहे वो युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रहे, चाहे आईडीओ में उन्होंने उपाध्यक्ष रहते हो, उन्होंने करोड़ों के ब्रिज बनाए हैं और उसी काम को वो विधानसभा 3 में उतारेंगे और निश्चित तौर पर इंदौर में विधानसभा 3 सबसे अच्छी विधानसभा बनेगी, ये हमारा सभी का मानना और सोचना है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग गोलू शुक्ला हैं, क्योंकि माननीय आकाश विजयवर्गीय जी ने जो 2,500 करोड़ के जो कार्य करके गए ना, उसको गोलू शुक्ला जी 5,000 करोड़ के कामों में परिवर्तित करने के जानते हैं। 1,000 करोड़ के गोलू शुक्ला जी इंदौर विकास प्राधिकरण से इंदौर के जितने ब्रिज जितनी सड़कें इंदौर विकास प्राधिकरण ने आज़ादी के बाद बनाई है वो अब सिर्फ गोलू शुक्ला जी के कार्यकाल में बन रही है। 1,000 करोड़ जो लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि बता रहे हैं कि उनको 2,500 करोड़ का, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गोपाल मंदिर कभी आए कि नहीं आए दर्शन करने, वो कभी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आए कि नहीं आए, वो राजवाड़े का जीर्णोद्धार देखा कि नहीं उन्होंने, जो छत्रियों पर किसी समय में उनके बड़े भाई के समय पे जो छत्रियों पे गंदगी फैली रहती थी, शिवलिंग के ऊपर काई जमी रहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ पर 2,500 करोड़ का विकास कार्य आके देखो वहाँ पर, मैं कम से कम 20,000 जनता में बहार है गोलू शुक्ला जी की, जनता में इंतजार है गोलू शुक्ला जी का कि गोलू कब 17 तारीख आए और कब हम 1,000 वोटों से गोलू शुक्ला जी को जिताएं। चलिए तो जीतेगा तो जीतू ही के बाद जीतेगा तो गोलू ही वाला नारा जो है वो यहाँ शुरू हो गया है और कार्यकर्ताओं का जो ये उत्साह है वो ये बार बार जी कर कह रहा है गोलू विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में गोलू शुक्ला की लहर है और क्या ये लहर सतत बरकरार रहेगी, क्या वास्तव में आने वाले चुनावी परिणाम में गोलू शुक्ला चुनावी फतह हासिल करने में कामयाब होंगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए मौसम चुनावी।